नाथसीवाद क्या है और हिटलर का उदय कैसे हुआ? हिटलर हिस्ट्री की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। कहानी की शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि 1945 में, जो वसंत ऋतु में, हेमलुट नामक एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, माता पिता की बातें सुन रहा है। और माता पिता इस बात पे बहस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम खुद अपनी जान ले लें या बच्चों को भी साथ में लेके जाएं, यानी हम खुद खत्म हो जाएं, अकेले खत्म हो जाएं या बच्चों को भी लेके जाएं, क्योंकि उन्हें भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था ये हेलमुट के माता पिता को। उनका ये कहना था, उनके माता पिता का, कि जो मित्र राष्ट्र है वो हमारे साथ उसी तरीके से व्यवहार करेंगे जो उन्होंने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। अगले दिन वो हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। बस यही आखिरी मौका था जब हेमलुट ने अपने पिता को देखा। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, माता पिता ने खेलते कूदते समय बिताया। लेकिन कुछ देर बाद ही हेलमुट के पिताजी ने खुद को गोली मार ली। हेलमुट अभी भी ये बातें याद करता है। और वहां पर, क्योंकि बात यह हो रही थी कि बच्चों को साथ में मारा जाए या खुद मारा जाए, तो हेलमुट अपने घर में, या ये कहें कि अपने घर में, माता के हाथ से खाना नहीं खा पाया 9 साल तक, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि कहीं माँ उसे जहर ना दे दे। ये एक कहानी की शुरुआत बड़ी दुखदाई है, लेकिन ये जो हेलमुट की सच्चाई है वो ये है कि उसके पिता नाथसी थे। आगे चल के हम जानेंगे कि नाथसी एक एक संगठन था, एक पार्टी थी, वहीं से ये उसके जो लोग थे उन्हें नाथसी कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर, ये साहब है एडोल्फ हिटलर। जैसे मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई, इस तरीके से कि इनका नाम आज भी जाना जाता है, जो इन्होंने अन्याय किया। और जो, क्योंकि इनको राष्ट्रवादी, अगर जर्मनों की नज़रों से देखा जाए तो बहुत बड़े ये नेशनलिस्ट थे, लेकिन बाकी लोगों के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने बहुत अन्याय किया। एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे, और आपने इनका नाम कहीं सुना होगा। हिटलर का ये काम था, या हिटलर इस तरीके से आए थे कि वो अपने देश को, जर्मनी को, बहुत ताकतवर देश बनाना चाहते थे और पूरे यूरोप पे वो कब्जा करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों, देखिए, केवल यहूदियों के साथ अन्याय नहीं किया, यहूदियों को नहीं मरवाया, बल्कि उन्होंने कई लोगों के साथ ऐसा किया, यहां तक कि उन्होंने अपने जो जर्मन लोग हैं उनको भी खत्म किया। किन लोगों को, इसके बारे में बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में हम जानेंगे। तो ये नाथसीवाद का जो शब्द है, हेलमुट से हमने जो जोड़ा, ये नाथसीवाद था क्या? क्यों इनके पिता ने आत्महत्या की? किस लिए वो डरे हुए थे? तो कहानी ये थी कि मई 1945 में जर्मनी ने, जो मित्र राष्ट्र है, देखिएगा, जो विश्व युद्ध हुआ उसमें मित्र राष्ट्र का नेतृत्व पहले ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था, फिर सोवियत संघ और अमेरिका इसी गठबंधन में शामिल हो गए इनके साथ, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। एक पार्टी ये थी और एक पार्टी ये थी जो जर्मनी, इटली और जापान की थी। तो एक तरीके से समझ लीजिए, विश्व के ये देश ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, और दूसरे देश, इसको मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि कौन कौन किस किस से लड़ रहे थे, जर्मनी, इटली और जापान, ये अलग पक्ष था। तो हुआ ये था कि 1945 में जर्मनी ने ये जो मित्र राष्ट्र हैं जिनका नाम मैंने लिया, उनके सामने समर्पण किया। उनको समझ में आ गया था कि क्या हश होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके जो प्रचार मंत्री है ग्योबल्स, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये बाएं में ग्योबल्स है, ये हिटलर है। तो जो ग्योबल्स है, उन्होंने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में
आत्महत्या कर ली, यानी कि हिटलर ने आत्महत्या की थी। उसके बाद युद्ध के बाद, अब ये युद्ध क्या हुआ इसके पहले की सारी कहानी हम देखेंगे, लेकिन ये आखिर की बात बता रहा हूं मैं आपको कि युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो न्यूरेमबर्ग है उसमें बाकायदा एक सैनिक अदालत, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाई गई। तो जो भी हुआ युद्ध में, शांति के विरुद्ध जो अपराध हुए, मानवता के खिलाफ जो अपराध हुए, युद्ध अपराध, उसके लिए जो नाथसी युद्धबंदी हैं, नाथसी जो पार्टी, इस पार्टी के लोग थे जो हिटलर की पार्टी थी, उस पे मुकदमा चलाना इनका काम था, जो ये संगठन बनाया गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनाया गया। अब युद्ध के दौरान जो जर्मनी का व्यवहार था इंसानियत के खिलाफ था, जो जो उन्होंने किया दुनिया में इसकी निंदा की गई, लेकिन ये कृत्य क्या थे, क्यों हुए ये, इसको जानना जरूरी है। हिटलर को कहना कि उसने ये किया वो किया, ये तो ठीक है किया उसने, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था। नाथसी जो शब्द है बार बार आएगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाथसी योनाल, नाथसी योनाल, नाथसी योनाल, इसके जो प्रारंभिक शब्द है नाथसी, वहां से बनाया गया है। ये नाथसी योनाल जो है ये हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिसको फ्यूरर भी कहा जाता है, उसकी पार्टी के नाम का जो पहला शब्द है, इसीलिए इसके पार्टी के जो लोग थे उनको नाथसी कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के जब हुआ, इसमें जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। युद्ध में 60 लाख यहूदी, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, इतने सारे लोग मरे। अब यहां बात खत्म नहीं होती है। आप हमेशा नाम इस तरीके से जोड़ा जाता है, या आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन उनके खिलाफ 60 लाख यहूदियों को तो मारा ही मारा, साथ में अपने जो नागरिक थे, जर्मन नागरिक 70,000, जो मानसिक और शारीरिक रूप से ये अपंग घोषित कर गए थे, किसी का पैर नहीं, कोई दिमागी रूप से अगर ठीक नहीं है, 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार दिया। इसके बाद जो विरोधी थे उनके, उनको भी मारा गया, कत्ल खाने बनाए गए जिसमें जहरीली गैस, जिसको बहुत, आपने जैसे शिंडलर लिस्ट वगैरह बहुत सारी ऐसी पिक्चरों में, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, तो जहरीली गैस में बहुत सारे लोगों को एक साथ एक उसमें गैस चैम्बर में भर दिया जाता था और मार दिया जाता था। लेकिन उसके बाद न्यूरेमबर्ग की अदालत जो बनी, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें केवल 11 मुख्य जो नाथसी है उन्हीं को सजा दी गई, बाकी को उम्र कैद की सजा दी गई, क्योंकि जो बर्बरता जर्मन, ये नाथसियों ने की थी, और जुल्म उन्होंने, मित्र राष्ट्र चाहते थे कि देखिए जर्मनी की पराजय तो हो गई है, लेकिन वो उनको कठोर दंड नहीं देना चाहते, क्योंकि वो भी ये जानना चाहते कि जिस तरह दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था, पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा कुछ हुआ था जर्मनी के ऊपर जिसके कारण ये हिटलर या ऐसे लोग आए नाथसी पनपा, तो वो कठोर दंड नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होता या कुछ ऐसी चीजें शुरुआत कर। देखिए आप किसी के साथ कुछ गलत करेंगे या कुछ ऐसा कुछ कर देंगे, या उन लोगों को लगेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो विद्रोह करेंगे। अब जो भी प्रथम विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के साथ हुआ, कई लोगों का मानना यह है कि नाथसी जर्मनी के उदय में इसी का योगदान था। क्या था मैं फिर से बताता हूं। प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद जर्मनी की और मित्र देशों की, जो जर्मन और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी हार हुई, उसके बाद बहुत कुछ हुआ इनके साथ, वो अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद नाथसीवाद का जन्म हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व जब युद्ध हुआ उसके बाद भी जर्मनी की हार हुई, लेकिन तब तक जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी इतना पावरफुल कैसे हो गया कि उसने लोहा लिया बाकी देशों से, बहुत पावरफुल देशों से, इसके बारे में जानेंगे कि नाथसी आए कैसे। तो शुरुआत हम करेंगे वाइमर गणराज्य का, जब जन्म हुआ।
जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों के बारे में बात करें। क्योंकि जर्मनी के साथ ही ऑस्ट्रिया है, तो उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर जो मित्र राष्ट्र है, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और रूस, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने किसके खिलाफ लड़ा? मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। यहां पर पहला विश्व युद्ध हुआ, दो पार्टी बन गई। अब 1914 से 1918 तक चला। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी इस युद्ध में आ गई, सबको अपना कुछ ना कुछ फायदा था, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। और ये पूरे आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूरोप को खत्म कर देगा, निचोड़ देगा। तो फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में काफी सफलताएं हासिल कर ली। मैं इस प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता रहा हूं, लेकिन 1917 में जब अमेरिका आ गया इस लड़ाई में, तो अमेरिका तो ताकतवर देश है, जैसे ही वो आया तो इनको काफी, जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे उनको काफी ताकत मिली। और नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि जर्मनी की हार हुई। अब साम्राज्यवादी जर्मनी, इसकी पराजय हुई। सम्राट जो थे वहां के, उनको पदत्याग करना पड़ा, और वहां की जो संसदीय पार्टी थी उनको जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का एक अच्छा मौका उपलब्ध कराया गया। तो इसी सिलसिले में वाइमर है, इसमें एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और संघीय आधार पर, फेडरल आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। अब नई व्यवस्था में क्या था कि जर्मन संसद को नाम इसका है राइखस्टॉग, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। तो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरत भी है और साथ में जो वयस्क नागरिक है, सभी को वोटिंग का अधिकार दिया गया। अब लेकिन ये जो वाइमर की हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको इसके आगे ये बता देता हूं कि ये वर्साय की संधि जब हुई उसके बाद जर्मनी कैसा रहा। मैं ये बता रहा हूं कि क्या बीज बोए गए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और वो मेन कारण था नाथसियों के कारण, नाथसीवाद के कारण। तो ये जर्मनी है। अब इसमें जर्मनी 1914 की बात थी, 1914 है, उसके बाद ये राइनलैंड है। ये जो राइनलैंड आप देख रहे हैं, ये इसमें सैनिक नहीं है, और यहीं पर इनका मेन, जैसे कहें कि संसाधन थे जर्मनी के। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो पिंकिश कलर में है, ये जर्मनी से जमीन जो ले ली गई थी, ये ले ली गई, ये ले ली गई, ये ले ली गई। और जो लीग ऑफ नेशंस है उनकी भी कुछ जमीन थी, उनके नियंत्रण वाली जमीन थी। तो हुआ ये कि ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें उन इलाकों को देख रहे हैं जो संधि के बाद, जब संधि हो गई तो जर्मनी के हाथ से चले गए। तो जो नया गणराज्य, खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि नया गणराज्य बना था। वजह यही थी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें जर्मनी की पराजय हुई, उसके बाद जो विजयी देश थे, जिन्होंने जीता, उन्होंने बड़ी कठोर शर्तें जर्मनी पे लगा दी। जो वर्साई की संधि हुई, मित्र राष्ट्रों के साथ जो वर्साई की संधि हुई, बड़ी जर्मनी की जनता के लिए बड़ा कठोर और अपमानजनक थी, मतलब बड़ी बेइज्जती हुई उनकी। आप देखिए कि जर्मनी के को अपने सारे उपनिवेश, जो भी उसकी कॉलोनीज है, 10% आबादी, 13% अपना लैंड या भूभाग, जो उनके आयरन ओर के भंडार है, 75% लौह भंडार, और जो कोयले के भंडार है 26% फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देने पड़े। अब जर्मनी को की और कमर तोड़ने के लिए मित्र राष्ट्रों ने जो उसकी सेना है, जर्मनी की सेना, उसको भी भंग कर दिया। और उसके बाद वॉर गिल्ट क्लॉज, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, इसके तहत युद्ध में जो भी तबाही हुई उसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? जर्मनी को। इसके लिए 6 अरब पाउंड जुर्माना लगाया गया। किस पे? जर्मनी पे। जो मैंने राइनलैंड आपको दिखाया, वहां खनिज संसाधन थे, ये किसके पास चला गया? मित्र राष्ट्रों के पास। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो जर्मन थे
उन्होंने न केवल इस हार के लिए जो बल्कि जो वर्साय में अपमान हुआ उसके लिए जो वाइमर गणराज है उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो युद्ध का असर क्या हुआ इसको भी समझना जरूरी है। जो युद्ध हुआ उससे पूरी तरीके से, चाहे मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक तौर पे या फिर आर्थिक जिसे हम पैसे पैसा कहें, दोनों ही तौर पर कमर सबकी टूट गई। यूरोप जो बहुत जो लोगों को कर्ज देता था अब खुद कर्ज में आ गया। पूरा जो पूरा पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए जो अपराध है उसका हर्जाना कौन दे रहा था? अभी जो वाइमर गणराज बन गया वो दे रहा था, वो उसको उससे वसूल किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि जो अपराध बोध था, राष्ट्रीय अपमान, ये झेलना पड़ा। अब अगर आप हर्जाना चुकाएंगे, हर्जाना चुकाना पड़ेगा, तो फिर आर्थिक तौर पे तो अपंग हो ही जाएंगे। अब वाइमर गणराज्य में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट ये लोग थे। अब रूढ़िवादी और जो पुरातन पंथी राष्ट्रवादी विधकों की इस आड़ में उन्हें बहुत सारे उनपे हमले किए जा रहे थे। तो नवंबर के अपराधी ये कहकर उनका बकायदा एक खुला मजाक बनाया जाता था। तो ये जो मनोदशा थी, ये जो दिमाग में लोगों के आ गया या लोगों के साथ जो बिहेवियर हुआ, उससे जो आगे का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वो बड़ा चेंज हुआ, वो बड़ उस पर बड़ा असर पड़ा। अब आप देखेंगे धीरे धीरे कि ये हुआ कैसे। जो पहला महायुद्ध हुआ, जैसे मैंने कहा कि जो यूरोपीय समाज है और जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उस पर बड़ी गहरी छाप छोड़ दी। इसमें यह हुआ कि सिपाहियों को, जो फिर जो सेना में थे, उनको आम नागरिकों से ज्यादा इज्जत मिलने लगी। जो राजनेता थे और प्रचारक थे वो ये जोर देने लगे कि जो पुरुष आदमी है वो मर्दाना है, आक्रामक है, ताकतवर होने चाहिए। और मीडिया ने जो खंदक है उसमें जो जिंदगी बिता रहे हैं उसका बड़ा महिमामंडन किया। खंदक मतलब है कि युद्ध के मोर्चे पर जो सैनिकों के लिए बंकर है, छिपने के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं, उस वो खंदक जो लोग उस पर रह रहे हैं उनको बड़ा माना गया। लेकिन सिपाहियों की जिंदगी तो बहुत खंदकों में बहुत खराब थी। बहुत सारी चीजें हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, जहरीली गैस उनको देखनी पड़ रही थी, पल पल लोग मर रहे थे ये देखना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी जो सार्वजनिक जीवन में था उसमें इन फौजियों की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती जा रही थी। उस समय क्या था कि जो लोकतंत्र था, जैसे आज हम सब डेमोक्रेसी हैं, वो नया शब्द था यार, बड़ा नाजुक विचार था, इस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि दोनों महायुद्ध के बीच ये लोकतंत्र सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा था। उसके बाद राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट की घड़ी घड़ी थी। जैसे ही वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, रूस में क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुई। अब जैसे ही ये क्रांति हुई जर्मनी में भी, क्योंकि देखिए ये सब देश आसपास हैं और एक जगह चीज हो रही है दूसरी जगह उसका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। तो जैसे ही बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर आपके फ्रांस में हुई, तो जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग जो अपने क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने में लग गए। अब आप देखें कि ये जो मैंने आपको स्पार्टकिस्ट लीग कहा था, ये इसका एक चित्र है। ये स्पार्टकिस्ट लीग नामक जो रेडिकल संगठन है उसने एक रैली बनाई, रैली यहाँ पर आयोजित हुई। देखिए कितने सारे लोग आए यहाँ पे, बहुत सारे जो शहर है उसमें मजदूरों और नाविकों ने अपनी अपनी सोविते बना ली। अब बड़े नारे गूंजने लगे। जो समाजवादी है, डेमोक्रेट है, कैथोलिक गुटों में भी वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसके विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला कर दिया गया। तो आखिरकार ये हुआ कि वाइमर गणराज्य ने जो पुराने सैनिक हैं उनको बुलाया, जो फ्री कोर के नाम से एक संगठन जो था उसकी मदद से ये जो विद्रोह होने वाला था या हो रहा था उसको कुचल दिया। तो यहाँ इसी ये जो घटना आप देख रहे हैं, इसके बाद जो स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी, इसका पहली बार यहाँ उदय हुआ, इसकी नींव डली। जो कम्युनिस्ट है यानी कि साम्यवादी और समाजवाद, ये एक दूसरे के दुश्मन थे और हिटलर के खिलाफ कभी भी कोई मोर्चा नहीं खोल सके। हम देखेंगे आगे क्यों। क्रांतिकारी और जो उग्र राष्ट्रवादी है दोनों ही
खेमे रेडिकल समाधानों के लिए अपनी अपनी आवाज बुलंद करने लगे। अब हुआ ये कि राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 में एक आर्थिक संकट जो आया उससे और बल मिल गया। जर्मनी में जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसने जर्मनी ने बहुत सारा कर्ज लिया था, उसके बाद जो स्वर्ण मुद्रा थी उससे उसको हर्जाना भरना पड़ा, दोहरा बोझ आ गया। 1923 में जर्मनी के जो कर्ज है हर्जाना चुकाने से जर्मनी ने इनकार कर दिया, क्योंकि अब इतना कितना देते रहेंगे, जनता को भी तो देखना है। अभी इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया कि इनका एक इलाका है, औद्योगिक इलाका है रूर, इस पर कब्जा कर लिया। ये जर्मनी में एक ऐसा इलाका था जहां पर कोयले के भंडार थे। एक मैं आपको आगे जो बात बताऊंगा उसके लिए एक चित्र है कि वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों में ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे थे, यानी कि मुद्रा इतनी उसकी वो हो गई थी, अगर इंटरनेशनली देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी सस्ती हो गई थी कि एक डॉलर के रूप में बहुत सारे जो इनकी करेंसी थी वो दी जाने लगी, या उसका इक्वेशन अगर देखा जाए एक डॉलर के प्रति, अभी मैं उसका नंबर बताऊंगा आपको। तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध जो निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी नोट छाप दिए, मतलब मुद्रा छाप दिए। अब फ्रांस ने कब्जा कर लिया आपके रूर शहर पे, तो उन्होंने अपने मुद्रा छाप दी। अब जर्मन सरकार ने जब ये मुद्रा छापी तो उसकी जो मुद्रा उस समय थी मार्क, ये गिर गई, बहुत तेजी से गिर। अब आप देखें कि अप्रैल में एक अमेरिकन डॉलर के अगर कंपेयर करें तो 24,000 मार्क थी, यही बस अप्रैल के बाद जुलाई में 3,53,000 हो गई, और अगस्त में ये 46,21,000 हो गई, और उसके बाद ये जो नंबर है तो करोड़ में जा रहा है, 9,88,60,000। इतनी मार्क हो गई, यानी एक डॉलर इतने इतने मार्क, इतना पैसा, इतने कागज आपको जमा करने पड़ेंगे, इतना मार्क जमा करना पड़ेगा ताकि एक डॉलर हो। तो जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरी, कीमतें भी आसमान छूने लगी। यहाँ पर देखिए कि ये लोग कतार में लगे हैं, कतार में बेघर हैं, ये कतार में खड़े हुए हैं सोने के लिए। बैल गाड़ियों में भर भर के नोट जाने लगे, क्योंकि एक डॉलर के लिए इतने सारे पैसे देने पड़ते थे। तो अब जर्मन जो दुनिया में एक दयनीय स्थिति हो गई। तो ये जो संकट की स्थिति आती है इसको अति मुद्रा स्फीति कहा जाता है। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे हम अति मुद्रा स्फीति कहते हैं। लेकिन अमेरिका आया बीच में, उसने जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना बनाई, और इस योजना में जर्मनी की जो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को, मतलब जो शर्तें हैं, क्योंकि जर्मनी ने मना कर दिया था हम नहीं देंगे, उसको दोबारा तय किया गया। मंदी का साल भी चला। अब मंदी देखिए अमेरिका में जो हो रहा है था उसका असर यहाँ कैसे पड़ा। 1924 से 1928 जर्मनी में कुछ स्थिरता आ गई थी, लेकिन यह स्थिरता ज्यादा दिन चली नहीं। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि जो शेयर बाजार है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार, तो अमेरिका का जो शेयर बाजार है वो जब धराशायी हो गया तो जर्मनी में जो वो मदद कर रहे थे रातों रात बंद हो गई। फिर से वही हुआ, 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ लोगों ने शेयर बेच दिए, क्योंकि क्योंकि कीमतों की गिरावट होने वाली थी तो लोगों को आशंका थी, तो उन्होंने शेयर बेच दिए। तो 1900 यह महामंदी की शुरुआत हो गई थी। 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय, अब अमेरिका की बात हो रही है, उनकी राष्ट्रीय आय आधी रह गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिर गया, किसानों की हालत खराब, सट्टेबाज बाजार में से पैसा निकाल रहे थे, खींच रहे थे। अब ये जो अर्थव्यवस्था अमेरिका की गिरी, इसका असर जर्मनी पे भी पड़ा। अब जर्मनी भी पड़ा तो 1932 से जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन है वो 1929 के मुकाबले केवल 40% 40% रह गया। मजदूर बेरोजगार हो गए, बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई, और कई लोग ये तख्ती लगा के घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझसे कुछ भी काम करवा लीजिए, यानी कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। यहाँ पर देखिए लाइन पर सोते लोग हैं, महामंदी के दिनों में लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग बेरोजगार थे, तो ऐसी हालत थी उनकी।
तो ये सब जो इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें लोगों में बेचैनी आ गई। जैसे जैसे ये मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, खासतौर पर जो वेतन भोगी कर्मचारी थे, जिनको वेतन मिलता था, पेंशन धारी जो थे, उनकी बचत भी कम हो रही थी, कारोबार ठप हो रहा था, लोगों के पास वो नहीं था। तो समाज में जो बड़े वर्ग थे या फिर अच्छे तबके थे, उनको सर्वहाराकरण इसका भय सता रहा था। सर्वहाराकरण का मतलब ये होता है कि गरीब होते होते ये जो ठीक ठाक लोग हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जब वो मजदूरों की तरह उनकी स्थिति हो जाएगी, वो मजदूर के जैसे लगने लगेंगे या दिखने लगेंगे। अब बेरोजगारी में जो बढ़ती फौज, अब जो उसकी बेरोजगारों की जो फौज थी, उन्होंने ये भी देखा कि भाई हमारा भविष्य तो अंधकार में है। यानी कि राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो वाइमर साम्राज्य जो है बहुत ही बहुत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था कि, और वाइमर संविधान में भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी कि कभी भी ये जो गणराज्य बना था वो अस्थिरता और तानाशाही का शिकार हो सकता था, क्योंकि इसमें एक कमी थी इनके संविधान में कि अनुपातिक सम ये प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या था इसमें, ये प्रावधान की वजह से कोई भी एक पार्टी जो है वो उसको बहुमत नहीं मिल, मतलब किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। हर बार क्या हो रहा था, गठबंधन की सरकार आ रही थी, उसमें एक बड़ी चीज थी अनुच्छेद 48, जिसमें जो राष्ट्रपति है कभी भी आपातकाल लागू कर सकता था, नागरिकों के अधिकार रद्द कर सकता था, और केवल अध्यादेशों से, केवल जो बिल्स हैं उसके जरिए वो शासन चला सकता था। ये 48 था। तो छोटे जीवन काल में जो वाइमर गणराज है, 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा। सोचिए आप कितने बार ये चेंज होते रहे, और औसत अवधि देखी जाए, जो एवरेज देखा जाए, तो एक मंत्रिमंडल है वो 239 दिन से ज्यादा नहीं चला, और इस बीच 48 अनुच्छेद का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी स्थिति कोई अच्छी नहीं हो पाई, समाधान नहीं मिल पाया। अब ये आप समझ गए कि समस्या क्या थी, क्या सिचुएशन हो गई थी। अब यहां से शुरू हुआ हिटलर का उदय। इस समय जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, राजनीति, समाज में जो संकट था, उसने हिटलर को सत्ता पाने का रास्ता जो है वो साफ कर दिया। कैसे, जो ये हिटलर है, 1889 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, और बड़े गरीबी से गुजरे, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था, तो इसके कारण वो फौज में भर्ती हो गए। भर्ती के बाद वो एक संदेशवाहक का काम किया उन्होंने, कॉरपोरल बने, और कई तमगे भी उन्होंने ले लिए। जर्मनी की सेना का जब पराजय हुआ और वर्साई की जब संधि हुई, तो ये बहुत गुस्सा हो गए हिटलर। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी, एक छोटा सा समूह था, उसकी सदस्यता ले ली। धीरे धीरे वो इसका नियंत्रण करने लगे हिटलर, और उसने उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी इसका नाम दे दिया गया। अब ये जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है, यही नाथसी पार्टी है, इसी को नाथसी पार्टी के नाम से जाना गया। ये एक नाथसी लोग वो थे जो इस पार्टी की विचारधारा को मानते थे। हुआ ये कि 1923 में हिटलर ने जो बवेरिया है उस पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने की ये अपनी योजना बना ली, लेकिन वो सफल नहीं रहा। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोह का मुकदमा भी चला, उसे रिहा कर दिया गया। तो नाजी खेमा, जो राजनीतिक खेमा है, 1930 के दशक में जनता बड़ी आकर्षित हो रही थी, लेकिन महामंदी थी। उसके बाद जो नाजीवाद है, क्योंकि और कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, उनको यही एक तरीके से दिखाई दिया, तो जन आंदोलन का रूप इसने ग्रहण कर लिया। अब ये देखें कि जो काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग लाचार था, भुखमरी थी, तो नाथसी जो प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा का मतलब ये है कि जनमत लेने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक प्रसार या प्रचार करना, पोस्टर के जरिए, फिल्मों के जरिए, भाषणों के जरिए।
तो नाजी ने प्रोपोगंडा किया, तो जो प्रोपोगंडा है उससे लोग आकर्षित हुए, उनको लगने लगा हाँ ये है हमारे सर्वे सर्वा, ये करेंगे हमको सब सही। तो 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद यानी कि राइक्सटाग, राइक्सटाग की बात हम कर चुके हैं, उसमें चुनाव में जो हुआ अब देखिए केवल 2.6, केवल 2.6% वोट मिले। लेकिन 1932 आते आते बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, 37% वोट मिल गए इनको। ये देखिए न्यूरेबर्ग रैली है, ये रैलियां आयोजित की जाती थी, नाजी सत्ता का प्रदर्शन इस इन रैलियों का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम था। लोग उस बहुत बढ़िया भाषण वो देता था हिटलर, लोग इस बड़ा निष्ठा करते थे, उसकी निष्ठा से शपथ लेते थे। जैसे मैंने बताया हिटलर जबरदस्त बोलता था, बहुत बढ़िया बोलता था, जोश से शब्द, उसके भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना कि मैं शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा, और जो वर्साई की संधि हुई उसके साथ, जो जर्मनी में जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई उसका प्रतिशोध करूंगा, और जो हमारी प्रतिष्ठा खत्म हुई है उसको वापिस लाऊंगा। उसका ये वादा था कि जो बेरोजगार हैं नौजवान उनको ये सुरक्षित भविष्य देने वाला है। उसने ये भी आश्वासन लोगों को दिया अपने भाषणों के जरिए, प्रोपोगंडा के जरिए, कि वो जो विदेशी प्रभाव है उससे मुक्त कराएगा, और जो भी साजिश करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये एक देखिए हिटलर यहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं, हिटलर द्वारा जो एसए और एसएस इसको कतारों में के सामने भाषण दिया जा रहा है, कि यानी कि ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि नाजी की भव्यता कितनी है, नाजी की ताकत कितनी है। तो हिटलर ने राजनीति की बड़ी नई शैली अपनाई, उसने क्या किया आडंबर प्रदर्शन, इसको इसको बहुत यूज किया। हिटलर के समर्थन में लोगों बड़े लोग आने लगे क्योंकि प्रोपोगंडा था, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जनसभाएं हुई। ये स्वास्तिक यानी कि इस तरीके का जो साइन है, पता नहीं मैं बना पाऊंगा कि नहीं, हाँ ये इस तरीके का एक साइन है, स्वास्तिक कहते हैं। इसके छपे जो लाल झंडे हैं, नाजी सैल्यूट, एक स्पेशल और अलग तरीके की तालियां बजाई जाती थी। तो ये बड़ा धुआंधार प्रचार हुआ, हिटलर को लोग एक मसीहा समझने लगे, एक रक्षक समझने लगे, उसको ये माना जाने लगा कि ये जो तबाही हुई है उससे उभारने के लिए ये हमारा आदमी है, ये हमें आगे पहुंचाएगा। तो ये सब क्योंकि वो देश जो था बड़ी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, लोगों को कोई ना कोई ऐसा चाहिए था या ऐसा उनको मिलना मिल गया था एक तरीके से जो उन्हें सब चीजों से उभारेगा। अब देखिए लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग साहब थे, उन्होंने हिटलर को चांसलर का पद संभालने के लिए बुला लिया कि आइए आप चांसलर बनिए, शक्तिशाली पद था ये। तब तक जो नाजी पार्टी है रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, क्योंकि जब लोग अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, तो बाकी लोग भी तो हो ही रहे। सत्ता जैसी हासिल कर ली उसके बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और जो संस्थान है उसको खत्म करना, भंग करना शुरू किया। तो फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में एक बड़ा अग्निकांड हुआ, और बड़ा जिसे कहते हैं 28 फरवरी 1933 में एक अग्नि आदेश यानी कि फायर डिक्री, इसके जरिए जो अभिव्यक्ति है, प्रेस है, सभा, इसको करने के लोगों के जो अधिकार है उसको वापस ले लिया गया, उसको निलंबित कर दिया गया। तो वाइमर संविधान में अधिकार काफ़ी अच्छे दिए गए थे, लेकिन हिटलर ने इन सबको बंद किया। इसके बाद जो कट्टर शत्रु यानी कम्युनिस्टों पे, इस पे हिटलर ने निशाना साधा, और ज़्यादा सारे जो कम्युनिस्ट थे उनको जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है उनमें बंद कर दिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो स्थान थे जहाँ बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को पकड़ के कैद कर दिया जाता था, और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बाकायदा कटीले तार होते थे क्योंकि कोई भाग ना सके। अब ये बर्बरता जारी रही। 5 लाख की आबादी वाले जो ड्यूसलडॉर्फ ये जो शहर था, इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों की जो बची कुछ ही 6808 फाइल है, उनमें से 1440 ये सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। तो नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों को ही इनका ही सफाया नहीं किया,
बल्कि 52 किस्म की कम्युनिटीज, लोग, संप्रदाय ऐसे थे जिनका उन्होंने दमन किया, निशाना बनाया। तो 3 मार्च 1933 को एक बड़ा प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे इनेबलिंग एक्ट कहते हैं, ये पारित कर दिया। इस कानून का मतलब था कि जर्मनी में तानाशाही दोबारा आ गई। अब इस कानून ने हिटलर को संसद को हिटलर ने हाशिए पे धकेल दिया, और केवल अध्यादेश, जो बिल्स होते हैं, उसके नाम पे निरंकुश शासन चला सकता था वो। तो नाजी पार्टी और उसके उससे जो जुड़े हैं, जो संगठन थे, उसके अलावा जो भी पार्टियां हैं ट्रेड यूनियन, सब पे पाबंदी लगा दी गई। जो भी अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका, उस पर राज यानी कि हिटलर का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो पूरे समाज में जो नाथसी है, उनके हिसाब से, उनको नाथसी चाहते थे कि हमारे हिसाब से नियंत्रण हो जाए। तो उसके निगरानी के लिए सुरक्षा दस्ते बनाए गए, जैसे वर्दीधारी पुलिस है, स्टॉर्म ट्रूपर्स है, इसके अलावा जो गेस्टापो है, गुप्तचर, ये गुप्तचर राज्य पुलिस है, विजिलेंस करती है और सीक्रेसी से काम करती है। MS हो गया, जैसे अपराध नियंत्रण पुलिस कहा गया, सुरक्षा सेवा SD, इसका भी गठन किया गया। तो जो ये दस्ते थे, उनको बकायदा अधिकार जो असंवैधानिक थे वो दे दिए गए। तो नाथसी राज को एक बड़ा खूंखार आपराधिक राज्य, इस तरीके से वो बन गया। अब गेस्तापो, ये जो जिन्हें बताया गुप्तचर राज्य पुलिस, गेस्तापो की यंत्रणा जो ग्रह है, उसमें किसी को भी बंद किया जाता जा सकता था। ये नए दस्ते जो थे, किसी को भी बगैर कानूनी कार्रवाई किए गए इनको पकड़ लिया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था, दंड दिया जाता था और मार दिया जाता था। अब ये पार्टी तो आ गई, कौन सी? हिटलर की। हिटलर तो आ गया। अब पुनर्निर्माण कैसे हुआ? उसने क्या किया कि अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी की हालत खराब थी, उसके लिए एक बड़ा जिम्मेदार अर्थशास्त्री साहब थे, होलमार शाख्त, इनको बनाए, उनको बोला कि देखिए आप ये संभालें अर्थव्यवस्था। शाख्त ने जो सबसे पहले क्या किया, सरकारी पैसे से जो चलाए जाने वाले जो रोजगार संवर्धन कार्यक्रम है, उसके जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार, ये उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य बनाया। अब आप देखिए जर्मन सुपर हाईवे, जो जनता की कार है, ये देखिए कि इसमें कहा गया है कि आपकी फॉक्स वेगन को, मतलब मजदूर भी इसे खरीद सकता है। तो ये जो कार फॉक्स वेगन है, ये सब इसी की परियोजना है। विदेश नीति में भी हिटलर को बड़ी कामयाबी मिल रही थी। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, 1936 में राइनलैंड पे उसने कब्जा कर लिया, और एक जन एक साम्राज्य और एक नेता, इसके नारे की आड़ में, क्योंकि आप जानते हैं कि जस्ट जर्मनी के बगल में, साथ में ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया को भी उसने अपने अपने जर्मनी में मिला लिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया है, उसको कब्जे, उसके कब्जे वाले जर्मन भाषी जो सुडेंटनलैंड है, उसका भी कब्जा कर लिया, और फिर धीरे 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 पूरा चेकोस्लोवाकिया कब्जे में कर लिया। तो इंग्लैंड इस समय जरा शांत था, खामोश था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि जो संधि हुई है वर्साई की, उसमें जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन जो जो कामयाबी मिल रही थी हिटलर को, अब आगे कुछ और होने वाला है। एक मैं आपको चित्र दिखाना चाहूंगा, ये नाजी सत्ता कैसे, उसका विस्तार हुआ यूरोप, 1942 का चित्र है ये आपका, बेहतर मतलब ये जर्मनी है, और ये जो है आपके, ये फिनलैंड हो गए, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये धुरी शक्तियों को मदद देने वाले देश थे। अब जर्मन कब्जे वाले देश आगे किए, ये सब जर्मन कब्जे वाले, ये जर्मन कब्जे वाले। तो ये वाले हो गया इटली, और उसका इलाका क्या हुआ वो ग्रीन से दिखाया गया है, और ये स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, पुर्तगाल, स्पेन, ये आयरलैंड, ये सब जो देश थे तटस्थ थे, यानी कि ये किसी के साथ नहीं जा रहे थे, ना इसके साथ ना उसके साथ। लेकिन हिटलर यहां नहीं रुकने वाले थे। अब शाख ने एक सलाह दी कि भाई देखो ऐसा है, सेना और हथियारों पर खर्चा ज्यादा मत करो, सरकारी बजट जो है घाटे में ही चल रहा है। नाथसी जर्मनी में एहतियातमंद लोगों की कोई जगह नहीं थी, तो किया क्या, हिटलर ने शाख्त को हटा दिया। उसने एक नया विकल्प निकाला, उसने कहा कि हम अपनी सीमाओं को बढ़ाएंगे, वहां के संसाधन हमें मिलेंगे,
इसी लक्ष्य से 1939 में, सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पे हमला कर दिया। बस यहाँ ये जो काम किया उसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड, उसके साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। तो सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक संधि कर ली। अब जर्मनी के साथ आ गया इटली और जापान। अब इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर और मजबूत हो गया। तो यूरोप के ज्यादातर लोग जो है वो नाथी जर्मनी का समर्थन करने वाले जितने भी देश थे उसमें कठपुतली सरकार बिठा दी गई। 1940 में हिटलर अपनी ताकत के उरूज पे था, यानी शिखर पे था। अब हिटलर ने क्या किया, अपना सारा ध्यान जो है पूर्वी यूरोप उसको जीतने में लगा दिया। वो जर्मन जनता के लिए, एक जर्मनी के लिए बड़ा नेशनलिस्ट था वो, उनके लिए संसाधन, रहने की जगह, जो लिविंग स्पेस है उसका इंतजाम करना चाहता था। अब उसने एक बड़ी बड़ी बेवकूफी कर डाली, ऐतिहासिक बेवकूफी थी। 1941 जून में उसने सोवियत संघ पे हमला कर दिया। बस ये आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा जो है उसमें ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी में आ गए, चपेट में आ गए, जबकि जो पूर्वी मोर्चा था वहां पर आ गए, वहां भिड़ रहे थे वो सोनी सेफ सोवियत सेनाओं से। सोवियत सेनाओं ने इनके नाक को चने चबा दिए। अब सोवियत लाल सेना जो थी उसने स्टालिन गार्ड ने जर्मन सेना को घुटने पर ला दिया। अब जो सोवियत जो लाल सैनिक थे रुके नहीं, वो पीछा करते रहे जर्मनों का, पीछा उन्होंने मतलब खदेड़ा इनको। कहाँ तक आ गए, बर्लिन, बर्लिन के बीचों बीच आ गए। बर्लिन जो जर्मनी में है वहां तक आ गए। अब इस घटनाक्रम की अगली जो आधी सदी थी उसके लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत का वर्चस्व आ गया, सोवियत संघ का। अमेरिका तो बच रहा था क्योंकि अमेरिका पहला विश्व युद्ध देख चुका था, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो इससे दूर हो रहा नहीं। हुआ ये था कि क्योंकि जर्मनी के साथ जापान था, जापान ने क्या किया कि उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। जैसे ही पर्ल हार्बर पर बमबारी हुई, अमेरिका भी आ गया विश्व युद्ध में। इस युद्ध में मई 1945 में हिटलर को हरा दिया, पराजय किया, और जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु गर्म जो बम गिरा दी। अब आप देखें कि ये जो हेलमुट की कहानी हमने शुरू की थी, कैसे ये हिटलर की पराजय हुई और हिटलर ने क्या क्या किया था, जिसकी कहानी दर्ज है हिस्ट्री में, और नाथसी जुल्मों ने, नाथसी लोगों ने क्या क्या जुल्म की। भारतीय समाचार पत्रों में भी आया बहुत कि हिटलर रिपोर्टेड डेड।